मुझसे ना छीन, तू ही तो देने वाला है अल्लाह। भेजा तो उसे हम नहीं था, लेकिन उसे सारा काम खराब करा दिया। मुझे लगता है ये बाबा मेरे खिलाफ चिल्ला खींच रहा है। नवाब साहब ये समझते हैं कि हवेली में जितनी भी मुश्किलें आ रही हैं, वो तू जाके बाबा सरकार से अमल करवा। मुझे देखे ना घबरा ही गई थी। मुझे तो ये लग रहा है कि वो उबैद के साथ ना कोई छुप छुपा के मिलने के चक्करों में थी। वो तो खुद कह रही थी कि उसने बुलाया है अटारनी को शहर वाला मकान बेचने के लिए। मैं तुम दोनों के इस गुनाह को इस हवेली में पैदा नहीं होने दूंगी कभी। कमजात बस। अभी रजिया मजार पे जाएगी, उसके साथ रहना साई की तरह, अपनी आंखें और कान भी खुले रखना। आपका नाम सादिक है ना? जिस्म का पोर पोर झूठ है मेरा, नाम क्या होता है? पर आप तो अपने ही हैं। फिलहाल मैं तुझे ये कहने आया हूँ कि आज से तू आइए बैठ जाए। आपने आपने गवर्नर साहब को देखा? नहीं देखा। क्या हुआ रजिया, ऐसे क्यों दौड़ी फिर रही है तू? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा, किसी को तो ढूंढ रही है। वैसे तुझे क्या जरूरत है इतना घबरा के दौड़ने भागने की? भाई तेरे पास तो पूरा ग्रो है अमल और तावीज गंडे करने वालों का। सुना है बहुत बड़ी बड़ी जगहों पे अड्डे बना रखे हैं तुम लोगों ने। दुआ की जरूरत मुझे नहीं, आप ही के नवाब साहब को पड़ती है। अच्छा हुआ पड़ गई भाई, वरना राज कैसे खुलता कि आखिर वहाँ है क्या। खैर बहुत आगे पहुंच गए हो तुम लोग, सुना है मुर्दों को भी जिंदा कर देते हो। असली कमाल तो जिंदों को मुर्दा करने में, लेकिन जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। लगता है नवाब साहब ने अपना मंत्र पढ़ के सुना दिया। सलाम नवाब साहब। वालेकुम सलाम भाई, बड़ी उम्र है तेरी, क्या करेगा इतना लंबा जी के। नवाब साहब आपकी खिदमत के सिवा और कोई काम मैं कर ही नहीं सकता, आपकी खिदमत करूंगा सर। बैठ। शुक्रिया। तुझे एक मशवरे के लिए बुलाया है। आप हुक्म करें नवाब साहब। ये जो बाबा सरकार है, इनको अगर हम अपना मेहमान बना ले तो। बात तो बहुत अच्छी है अगर वो आ जाए, लेकिन मेरा ख्याल है कि बाबा सरकार आएंगे नहीं। नहीं आएंगे तो उन्हें जबरदस्ती उठा लेंगे। क्यों? हुकुम नवाब साहब। तौबा तौबा करें नवाब साहब, आपके बड़ों की ये रिवायत रही है कि उन्होंने कभी खानका और मजार को नहीं छेड़ा। तो मजार और खानका को तो हम भी नहीं छेड़ेंगे। तो फिर ये सब कैसे? मेरा मतलब है कि बड़ी सरकार तो कभी अपने उजरे से बाहर नहीं निकलती। तो फिर ये ड्रोन किस लिए है? ये तो ऊपर से गुजर जाता है जो जहां भी हो। नवाब साहब मेरी क्या मछाल, बाबा सरकार के लाखों मुरीद हैं इस दुनिया में, सब खिलाफ हो जाएंगे और फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा। खानका और मजार का बहुत एहतराम। हाँ तो हम कौन से खानका को परंदा जाते, हम तो साजिश के अड्डे पे ड्रोन गिरवाएंगे। साजिश? तो फिर कहेगा मैं तो जेल में था, मुझे क्या पता। मैं जब आपके साथ वहाँ गया था मुझे तो ऐसी कोई बात नजर। तुझे नजर ना आने की वजह तो है ना कि बाबा सरकार हमसे बाहर आके क्यों मिले, उन्होंने अंदर हमें अपने हुजरे में क्यों नहीं बुलाया। मुझे क्या पता ना। गवर्नर हमारा और कह रहा है कि पता नहीं, तुझे नहीं पता तो फिर किसे पता। तो ठीक है नवाब साहब, मैं खुद तफ्तीश कर ले। तफ्तीश अब तू नहीं करेगा, तफ्तीश अब ड्रोन करेगा, क्योंकि हमें पता है कि उस खान का वह एक आशिक भी छुपा बैठा।
आशिक? सब्र कर ले, मैं जान ना जब ड्रोन गिरेगा तो सब कुछ बाहर आ जाएगा। ड्रोन की कंघी एक बार फिरने दे, उसके बाद हम देखते हैं कि बाबा के तावीज ताकतवर हैं या हमारा ड्रोन। क्यों? आप सिर्फ बटन पे हाथ रखें नवाब साहब, आप जहां चाहेंगे ड्रोन वहीं गिरेगा। साधक साहब, साहब का मनकुआ याद तो आती होगी। मेरा तो हाल ही साहब का हो चुका है नवाब साहब, वक्त के धोखे से निकल कर ही तो वक्त आता था। हाथ तो बहुत कुछ आएगा, तू खानकाह में जाके छुप गया। ये सोच रहा था ना कि बाबा सरकार की चादर बहुत मोटी है और उसमें से नजर नहीं आएगा हमें। जब आंख से पर्दा उठता है तो नजर पथरा जाती है, फिर और कुछ नजर नहीं आता, और जो नजर आता है वो तो धोखा होता है। जैसे तू हमें दे रहा था, इश्क में धोखा ही तो देना पड़ता है, तभी तो वो मिलता है। वो जमीन पे रह, जमीन पे, मुझे चक्कर देने की कोशिश ना कर, वरना तेरी कब्र तैयार है हमरा कतबे के। कब्र? कब्र तो हर वक्त अपने साथ उठाए फिरता हूं मैं। ये जिस्म कब्र ही तो है, रूह की कब्र। मुझे पता है, मुझे क्या लग रहा है, जैसे कि तू मेरे सामने कोई नवी अदाकारी कर रहा है, ब्रांड न्यू। ये बता, खानकाह में रजिया से मुलाकातें कैसी रही? जिसको इंसान आंखें बंद करके देख लेता हो, उसे आंखें खोल के देखने की क्या जरूरत। फिल्मी डायलॉग नहीं मार मेरे सामने, समझ गया? मैं दिखाऊंगा तुझे ताकत क्या होती है। शादी करने जा रहे हैं हम, एक और निकाह, और तू निकाह पढ़ाएगा हमारा। जी नवाब साहब। मतलब तू तैयार है निकाह पढ़ाने पे? जिस्म के बोल जितने मर्जी बुलवा ले नवाब साहब। बोल तो दिल के होते हैं, दिल के बोल नहीं बुलवा सकता। हम तो पत्थरों से भी बुलवा लेते हैं। पक्का निकाह होगा, पक्का, अंगूठा और दस्तखत के साथ, फिर चाहे जिस्म बोले या दिल। मोहब्बत की जंजीरें तो जेवर होती हैं दिल वालों का नवाब साहब। कभी किसी का दिल जीत के तो देखें, बड़ा नशा है इसमें, सबसे बड़ा नशा। ड्रोन, इसको ले जा और बंद कर दे, लगता है इसने भंग का नशा शुरू कर दिया। और हाँ, ख्याल रहे कि काजी हमारा निकाह पढ़ाना है, इसका बहुत ख्याल रखना। दिल जीत के देखें। चलो मान तो गई कि ये काम उसने किया है। मानती कैसे ना, भला पेट छुपता है। बीबी, अब तो आप गेट लगवा दे, देखिए ना मैं आपके इम्तिहान में पास हो गई हूँ। लग जाएगा तेरा गेट, एक दफा उसका गुनाह तो खुल के सामने आने दे। ना करें बीबी, इसमें तो बड़ा टाइम लग जाना है। आप मुझे इस हवेली से चलता करें बस किसी तरीके से। ऐसे पता है क्या होना है, ऐसे ये होना है कि किसी को पता ही नहीं चलना कि मैंने आपको ये बात बताई है, वरना ये औरत इतना हंगामा खड़ा करेगी ना कि आप सोच भी नहीं सकती। परवीन, तेरा गेट लग जाएगा और नवाब साहब की नहीं, इस पर हमारी मर्जी से लगेगा। अभी जब इसके मसले खुलने हैं ना हवेली में, तो हवेली का माहौल ही चेंज हो जाना है, और फिर उसके सियापों में मैं बेचारी गरीबरी ने कल्ली ने रह जाना है। वैसे क्या बात है परवीन, जब से तू आई है तूने वापसी का सामान बांध रखा है। बीबी, अब पल आपसे क्या छुपाना, आपको तो सारा कुछ पता है ना। पल इस हवेली में औरत करने क्या आती है? फिक्र मत कर, हो जाएगा तेरा काम, लेकिन तूने बेला पे कड़ी नजर रखनी है, वो कुछ भी कर सकती है आजकल।
आप ये सारी चीज बस मुझ पे छोड़ दें, हुक्का खेंचे हुक्का। आहा, हमारा इंतजार हो रहा है। वाह, वैसे जब बंदा किसी का इंतजार करता है ना तो और खूबसूरत हो जाता है, मेरी तरह। देख तेरा इंतजार करते करते क्या हाल हो गया हमारा। वैसे हमें तुझसे एक शिकायत है, तू सादिक से मिली और तूने हमसे मिठाई तक का ना पूछा। एक मोती चूर का लड्डू तो बनता है ना। मैं जानती हूँ आप सादिक से मिल चुके। वैसे जगह बड़ी जालिम चुनी तुम लोगों ने, किसी को शक भी नहीं हो सकता। सवाब का सवाब, मुलाकात की मुलाकात। मैंने सादिक को कभी अपने अंदर मारा ही नहीं था, आपकी उस झूठी कब्र के बावजूद भी। अच्छा अच्छा, लेकिन उसने तो तुझे मार दिया ना। सूरत मगरिब से निकल सकता है पर ये नहीं हो सकता। ये हो गया है। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। सादिक मेरे साथ कभी ऐसा नहीं कर सकता। बाबे ने तेरा प्यार चुरा लिया है। वो मर जाएगा लेकिन कभी ऐसा नहीं कर सकता। तो उसे मराओ भी समझ। दुनिया इधर की उधर हो जाए नवाब साहब, लेकिन सादिक ऐसा कभी भी नहीं कर सकता। तुझसे प्यार नहीं करता। आप ताकत से हमारे जिस्म तो छीन सकते हैं लेकिन मोहब्बत नहीं। मोहब्बत बाजार में नहीं बिकती। ये यकीन नहीं आता तो जाके खुद यकीन कर। पर ऐसी बातें ना कर। अगर मैंने तुझे दिल से सच्चा प्यार ना किया होता तो तू ही मुझे मिलती भला क्यों? आज आप अपने अंदर का खौफ खत्म करके तो देखें। अगले ही लम्हे अकेले ना हो जाए तो ये रजिया तो क्या, रजिया के 100 जन्म आपके। तेरा साहब का भी यही बात कह रहा था। क्या बात है? क्योंकि दिल की जबान एक होती है। और माफ कीजिएगा, आपको तो ये जबान आती नहीं। बाबे सरकार ने तुम दोनों को बदल दिया। क्योंकि वो दिल वाले, मोहब्बत है वो, उनके हाथ खाली हैं लेकिन उनकी दहलीज पर पूरी दुनिया आती है। कभी आपने सोचा है नवाब साहब, क्यों आप क्यों लोगों की जिंदगियां बर्बाद करने पर तुले हुए हैं? आप अपने इर्द गिर्द सारी दुनिया का हुजूम भी इकट्ठा कर लेंगे ना, तब भी अकेले रह जाएंगे। हमेशा अकेले रह जाएंगे आप। नवाब साहब, आपकी तबीयत तो ठीक है? तबीयत ठीक है पर दिल ठीक नहीं है। खुदा खैर करे, आप मुझे बताइए, हुक्म कीजिए। अपने बेटे से मिल लिया तू? जी मिला है। हमने उसे निकाह पढ़ाने के लिए बुलाया है। जी। वैसे एक बात तो बता गवर्नर, ये तेरा बेटा गया किस पे है? तू तो पूरे का पूरा चलाक और मक्कार आदमी है। नवाब साहब, सादिक अपनी बहिश्तन माँ पे गया है, वो बहुत प्यार करने वाली थी, बहुत ज्यादा। अच्छा, तुझसे भी कोई प्यार कर सकता है क्या? जी हाँ, वो मुझसे बहुत प्यार करती थी, जब तक जिंदा थी बहुत प्यार करती थी, मेरे बगैर खाना नहीं खाती थी। अच्छा जी नवाब साहब, और हर महीने रुमाल पे प्यार से कढ़ाई करके दिल बना के दिया करती थी। तेरा क्या ख्याल है, हमसे भी कोई प्यार करता? जी नवाब साहब, पूरी रियाया आपसे प्यार करती। डरती है या प्यार करती है? सब डरते हैं, प्यार कोई नहीं करता, ना कोई दिल से हमारे साथ होता है। गवर्नर कोई तरकीब बता दिल जीतने वाली, ताकि लोग हमसे प्यार करें जैसे बाबा सरकार से लोग प्यार करते हैं। ये तो बाबा सरकार ही बता सकते। तेरे बाबा सरकार ने सादिक को तो कुछ और ही बना दिया। नवाब साहब, वो तो अल्लाह वाला हो गया, अब मेरे बेटे की जान बख्शी कर दे, वो तो दुनिया से हर चीज से बेगाना हो। अगर हमने उसे कुछ कहना होता तो उसकी कदबे वाली कब्र खाली ना होती अभी। तो एक काम कर, शेरवानी तैयार करवा, हम नया निकाह कर रहे हैं लड़की से, और तेरा बेटा हमारा निकाह पढ़ाएगा।
और कमिश्नर से कहे कि कोई खमीरा मोहब्बत बनाए, हवेली के हर फर्द को चटाना है। जी नवाब। गवर्नर, तू मेरे साथ दिल से है या जबरदस्ती ठहरा हुआ है? नवाब साहब, मैं तो हर वक्त आपके साथ हूँ। बकवास करता है तू, झूठ बोलता है, ज्यादातर झूठ बोलता है, कभी कभी सच भी बोल लेता है। नवाब साहब, आप मुझसे कसम ले लें, मेरे दिल में आपके सिवा और कुछ भी नहीं। तेरे दिल में क्या है ये हम बताते हैं तुझे। आज अगर तुझे मौका मिल जाए ना गवर्नर, तो तू हमसे गिन गिन के बदले ले जिसका कोई हिसाब ना हो। ये है तेरे दिल में, हम नहीं। अगर हम तुझे तेरी मर्जी करने दे तो तू कितनी देर में निकल जाएगी यहां से? खैर तो है ना आप सर, आज आप इस सवाल नहीं, सिर्फ सही सही जवाब। वो जिस्म जो अपने आप को नबाला बनाकर पेश करते हैं और बदले में जिंदगी भर के लिए उनके पेट के नवालों का बंदोबस्त हो जाता है, क्यों ऐसी कीमत चुकाने पे तुली हुई है जो है ही नहीं तेरे पास? साहब वो ऐसे डर तो खैर तू गई है। बैठ। हम क्या डरने वाली चीज है? नहीं नहीं नवाब साहब, वो आप इतने दिनों के बाद आए हैं ना, तो आपने तो मेरी तरफ देखना ही छोड़ दिया। सबको हमसे यही शिकायत है कि हम उसकी तरफ। आपके साथ रहना तो खुशकिस्मती है मेरी। फिर झूठ? नहीं नहीं, झूठ तो नहीं बोल रही। ये झूठ नहीं है तो और क्या? याद दिलाऊं तुमने तलाक के लिए क्या क्या किया है? लिहाजा कोई झूठ नहीं, आज कुछ नहीं कहा जाएगा, सही सही जवाब। कुछ नहीं कहेंगे ना, दिल से नहीं रहती। आज आप अपने अंदर का खौफ खत्म करके तो देखें, अगले ही लम्हे अकेले ना हो जाएं तो ये रजिया तो क्या, रजिया के 100 जन्म आपके। कब से? पहले दिन से ही। इसका मतलब तुमने हमें एक मिनट भी प्यार नहीं किया।
परवीन, अगर हम तुझे तेरी मर्जी करने दे तो तू कितनी देर में निकल जाएगी यहां से? खैर तो है ना बाप साहब, आ जा इस सवाल नहीं, सिर्फ सही सही जवाब। एक मिनट में। बड़े बेमुरव्वत हैं ये हुस्न वाले, कहीं दिल लगाने की कोशिश न करना। नवाब साहब आपका हुक्म हो तो नाच के दिखाऊं। कहीं दिल लगाने की कोशिश न करना। इसीलिए तो कह रही हूँ, एक दिन के लिए सही लेकिन मोहब्बत करके मैं सांदर की क्या बताऊं मैं आपको नवाब साहब, कह तो रहा हूं मैं आपसे, बस लोगों से प्यार शुरू कर दीजिए, दिल जीत जाएंगे, वो आपके हो जाएंगे। इश्क तो हमारा सच्चा था तेरे लिए, इसीलिए तू हमें मिली है, क्यों छोटे बाबा सरकार है? आपको तो सिर्फ मेरा जिस्म चाहिए, मेरी रूह तो सादिक के पास है। गवर्नर चाचा देख मेरे बुए के आगे गेट लग गया। हाँ मैं तो खुद हैरान हो रहा हूँ ये देखकर। और आप बहुत अच्छे तरीके से ये बात जानते हैं कि आप किसी को भी ये उम्मीद देने के काबिल नहीं हैं। मैंने सिर्फ और सिर्फ इस हवेली की इज्जत बचाई है। नवाब साहब, नवाब साहब, मुझे मेरे मुर्शिद के पास जाने दीजिए, मुझे बड़ी जरूरत है मेरे मुर्शिद की। नवाब साहब हमें बता दे क्या जरूरत है, हम तेरी जरूरत पूरी कर देते हैं। नहीं नवाब साहब, आप मेरी जरूरत पूरी नहीं कर सकते, मेरी मंजिल खोटी होती चली जा रही है नवाब साहब। अभी कच्चा फल हूँ मैं, वो शाख है मेरी,
मुझे मेरी शाख से मत तोड़िए नवाब साहब। भेज देंगे तुझे वापसी, घबरा क्यों रहा है? बस एक बार दिल जीतने की तरकीब बता दे। बस खुद को हार जाइए नवाब साहब, जीत जाएंगे दिल। हार जाए? हारते कैसे हैं? इस दुनिया की तलब को खत्म कर दीजिए, ख्वाहिशों को दिल से आजाद कर दीजिए, रिहा कर दीजिए नवाब साहब। एक तो तेरी बातें बड़ी मुश्किल मुश्किल होती हैं, कोई आसान वाली तरकीब नहीं तेरे पास? आसान तरकीब क्या बताऊं मैं आपको नवाब साहब, कह तो रहा हूं मैं आपसे, बस लोगों से प्यार शुरू कर दीजिए, दिल जीत जाएंगे, वो आपके हो जाएंगे। तो आपको बता दिया ना नवाब साहब, नवाब साहब मुझे जाने दीजिए, मुझे मेरे मुर्शिद के पास जाने दीजिए नवाब साहब। सादिक तूने अपनी गाड़ी दूसरी लेन पर डाल दी है, रजिया के लिए हो गई है, और मैंने फैसला किया है कि मैं अब रजिया का दिल हर सूरत में जीतूंगा, लेकिन ये उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक तू उसके दिल में रहेगा। मोहब्बत करने वालों को कैसे समझाएं नवाब साहब, ये मुमकिन नहीं है। मोहब्बत को मोहब्बत से तो समझा सकते हैं ना। आसमान तो कहीं से भी खड़े होकर नजर आता है नवाब साहब, मैं और वो अब फकीर हो चुके हैं, अब जगह से कुछ नहीं होता नवाब साहब। होता है जगह से, क्यों नहीं होता जगह से? जब बंदा किसी को प्यार करता है तो चाहता है कि उसे अच्छी से अच्छी जगह रखे, लेकिन खैर तेरी समझ में ये बातें आएंगी नहीं। अब तुझे तो बाबा सरकार ने मिट्टी वाले टीके लगा दिए हैं। अव्वल मिट्टी, आखर मिट्टी, सब मिट्टी दा ढेर। चल जा, निकाह पढ़वा लेंगे तो उससे तो भेज देंगे। अल्लाहु 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 अल्लाहु। सादिक, क्या कर रही है तू? छोटे बाबे सरकार को मुराकबे से जगा रही है, देख आंखें बंद की है उन्होंने। सादिक 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 देखना मेरी तरफ, सादिक सादिक उन्हें बताना कि तेरी नजर में सिर्फ मैं हूँ, बताना उन्हें सादिक। अरे इधर देख, हमारी नजरों में सिर्फ तू ही तू है, तेरे इश्क की जगह तो बाबा सरकार ने ले ली है। ये नहीं हो सकता सादिक, सादिक बोलना, खुदा गवाही है सादिक। तो रास्ता है, और पैर जमीन को कैसे छोड़ सकते हैं रसिया? वाह, देखा मेरी जान, और कोई सबूत चाहिए है? नहीं सादिक, सादिक ये नहीं हो सकता, मैंने इन्हें बताना मैं कौन हूँ तेरे लिए। सादिक बोल, मैं कौन हूँ, मैं बोल। कुछ भी तो नहीं, सिर्फ एक जिस्म, मिट्टी का ढेर। इस जिस्म से पूछना छोड़ दे रसिया, फिक्र करनी है तो रूह की कर। क्या कर दिया आपने मेरे सादिक के साथ? इसका जवाब जाके बाबा सरकार से ले। इश्क तो हमारा सच्चा था तेरे लिए, इसीलिए तू हमें मिली है। क्यों छोटे बाबा सरकार, हाँ? आपको तो सिर्फ मेरा जिस्म चाहिए, मेरी रूह तो सादिक के पास है। तुझे क्या लगता है हम सिर्फ जिस्म खरीदते हैं? हाँ, सिर्फ जिस्म, क्योंकि खुदा ने आपको हमेशा बेमुराद रखा है। अगर आपको एक बार मोहब्बत मिल जाती ना, तो आप किसी और तरफ ना देखते। हाथ जोड़ती हूं मैं आपके सामने, हमें बर्बाद ना करें।
गेट किसने लगवाया है? बड़ी बीबी का हुक्म है बीबी। बड़ी बीबी मैं सदके जाऊं कुर्बान जाऊं। गवर्नर चाचा देख मेरे बुए के आगे गेट लग गया। हाँ मैं तो खुद हैरान हो रहा हूँ ये देखकर। कैसे? ओ कैसे छड़ गेट देख फूलों वाला। लेकिन नवाब साहब ने तो मुझे कुछ नहीं कहा इस सिलसिले में। ओ कुछ कहा है या नहीं कहा गवर्नर चाचा छड़ ना। हाय अल्लाह इस बारी पक्का गेट लगा है उतरता नहीं है। हाय बीबी ये गेट किसने लगवाया? बड़ी बीबी ने। बड़ी बीबी सलाम नवाब साहब। गवर्नर तुझे मैं बेमुराद लगता हूं? नहीं नवाब साहब। तो फिर मेरे नसीब में मोहब्बत क्यों नहीं है? नवाब साहब इतनी मोहब्बतें तो है आपके पास। एक भी नहीं है। कोई नहीं करता मोहब्बत। सही कहती है रसिया मेरे पास सब कुछ है सिवाय मोहब्बत के। आप ऐसी बातें ना सोचा करें नवाब साहब। मेरे साथ ही जितने लोग रहते हैं ना जबरदस्ती रहते हैं। नहीं नहीं नवाब साहब। बच्चा समझा है तूने मुझे दिलासी देगा मुझे अब। मैं तो ये बताने आया था। क्या बताने आया था? ओ परवीन बीबी के कमरे के आगे गेट लग गया है। मैंने मुलाजमों से पूछा तो वो कहने लगे कि हमारे क्या मजाल है कि बड़ी बीबी के आगे बोलते। परवीन के दरवाजे के बाहर गेट तुमने लगवाया? हाँ हमने लगवाया। क्यों? ये हमारे फैसले हैं। तू कब से करने लगी? परवीन ने इज्जत बचाई है इस हवेली की। कम से कम इतना इनाम बनता है उसका। कौन सी इज्जत? हमारे नाम और नामूस को कोई दांव पे लगाए है किसी की जरूरत? नवाब साहब आपकी दी हुई ढील ने इस खानदान की इज्जत को दांव पे लगा दिया। आज आपको इस बात का यकीन हो ना हो कल सच आपके सामने आ जाएगा। तू हमें ये बता कि तूने गेट किसकी इजाजत से लगवाया? हमने वादा किया था परवीन से अगर वो बेला का पोल खोल देगी हम उसका गेट लगवा देंगे। ये मेरा अख्तियार है और जब तक मैं जिंदा हूँ मेरा अख्तियार कोई मुझसे ले नहीं सकता। बात समझ आई? नवाब साहब बेला वाकई उम्मीद से है और आप बहुत अच्छे तरीके से ये बात जानते हैं कि आप किसी को भी ये उम्मीद देने के काबिल नहीं है। मैंने सिर्फ और सिर्फ इस हवेली की इज्जत बचाई है। परवीन के जाने से इज्जत बच जाएगी? कब तक उसे कैद रखेंगे? जब से आई है बेचारी हर वक्त जाने की दुआ मांगती रहती है। जाने दे उसे। नहीं हम किसी का फैसला नहीं सुनते अपना फैसला करते हैं। फैसला तो हो चुका है। ठीक तो जा जाके बता दे सबको बाहर के रुखसाना मेरी बेटी नहीं है। जा तू भी जबरदस्ती रहती है हमारे साथ दिल से नहीं और ये बात हम जान चुके हैं। दिल? नवाब साहब ये बात मुझसे करने से पहले अपनी तरफ तो देख लिया होता। 28वीं लड़की है रजिया आपकी जिंदगी की और मैं जब से यहाँ आई हूँ आपकी जिंदगी में आने जाने वालियों को गिन ही रही हूँ। दिल इंसान वहां लगाता है जहां सामने किसी को कदर भी हो। नवाब साहब कागज बनवा दीजिए परवीन के। जितनी शादियां की लड़कियां पहले मैंने पसंद की हैं। इस बार सोचा हमने खुद पसंद कर लेते हैं। तो देखेगा तो हैरान रह जाएगा। अरे तलाक मिल गई है अब जा खुशियां मना।
निकल तो मैं एक सेकंड में जाऊंगी चाचा, मिनट नहीं मारना मैंने और भज जाना यहाँ से। पर मुझे ये बता कि मुझे जो जमीन मिली है वो नहरी है ना। देख पहले ही तेरे चक्कर में बहुत लड़ाई हुई है, अब ऐसा ना हो कि वो मुझे भी कागज थमा दे। नवाब साहब अगली शादी कर रहे हैं किसी के साथ, तो मैं क्या करूं? जी उनका हुक्म है कि ये जोड़ा पहन के आप निकाह में शरीक हो। मेरी हालत तो देखिए नवाब साहब, कितनी बीमार हूँ मैं। ना आप आए ना कमिश्नर, क्या मुझसे भी ज्यादा कोई अहम है इस हवेली में? लड़की कहाँ है नवाब साहब? लगता है लड़की कहीं दूर से आ रही, दिल से आ रही है, शाराए दिल से।